सो गाइज कैसे आप सब, आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज मैं आपके लिए एक ऐसी बेस्ट ट्रिक लेकर आ चुका हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं कि मतलब आपके से कोई अनोन नंबर आता है आपके फ़ोन में, ठीक है, और या किसी आपको अनोन नंबर का पता करना है कि ये नंबर है किसका और मतलब इसका जो मालिक कौन है इसके नंबर का, तो वो पता आप आसानी से कर सकते हो। बहुत ही सिंपल ट्रिक लेकर आ चुका हूँ मैं। तो ट्रिक को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो ट्रिक है आज की, वो स्पेशली जो ट्रिक है, उस ट्रिक से हम पता कर सकते हैं कि आप किसी भी नंबर का मालिक कौन है, जिसके नंबर से सिम ली हुई है वो आप आसानी से पता कर सकते हैं। और वो कैसे पता करते हैं वो ट्रिक मैं आज आपके लिए आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ट्रिक को लास्ट तक देखते रहिए। तो किसी भी नंबर का पता करने के लिए हमें सबसे पहले कि अपने किसी भी ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं चला जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, जैसे कि ये मेरा ब्राउज़र दिख रहा है आपके सामने, तो मैं क्रोम ब्राउज़र को खोल देता हूँ। अब इसमें आपको टाइप करना लेना है जो ये लिखा हुआ है ट्रू कॉलर, ठीक है, ये टाइप कर लेना है। तो मैं टाइप कर लेता हूँ ट्रू कॉलर, इसको भी ओपन करना है आपको, और जो फर्स्ट लिंक आती है इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आ रही है इसको आपको ओपन कर लेना है और जो मैं बताता जाऊँ वो उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको कुछ नंबर पूछेगा, तो मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ। वैसे ही तो अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि हम इसमें साइन इन नहीं किया हमने, तो इसलिए हमारे को अभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। और हम इसमें सबसे पहले साइन इन कर लेते हैं। तो साइन इन करने के लिए जो आपको ये थ्री लाइन दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैं क्लिक कर लेना हूँ और उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है, तो मैं साइन इन पर क्लिक कर देना हूँ। और साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन इन विद गूगल या साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट, तो इसमें हमें साइन इन विद गूगल करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने हमारे फ़ोन की ईमेल आईडी शो होंगी, मतलब जो भी हमारे फ़ोन में ईमेल आईडी लॉगिन हो रखी है वो होगी, और नहीं भी हो तो आप अपनी ईमेल आईडी बना के यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। तो मैं साइन इन पर टैप करूँगा। और सो गाइस फाइनली मैंने इसको साइन इन कर लिया है। अब जो हमारा प्रोसेस है कि हमें किसी भी अनोन नंबर का पता करना है कि वो नंबर है किसका, तो साइन इन मतलब आप साइन इन पे टाइप करोगे तो आपके सामने जो ईमेल आईडी शो होंगी जो आपने अपने फ़ोन में लॉगिन कर रखी है, उस पर आपको किसी भी पे टैप करके जो परमिशन मांगे उसको अलाउ करके अपनी ईमेल आईडी को मतलब साइन इन कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेन इंटरफेस कुछ ऐसा होगा, उसके बाद जो भी सिम के नंबर का आपका पता करना है वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, तो मैं कुछ जैसे नंबर टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि मैं किसी भी एक नंबर को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे को कुछ पता करना है कि ये नंबर है किसके, ठीक है, 9828265087, ठीक है। जिसका पता करने के लिए हमें यहाँ पर नंबर लिख के बाद यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो ये देखिए दोस्तों, इफ्तेर खार नाम आ चुका है, ये इस फोन के जिस इसकी सिम है, मतलब इस आदमी की सिम है। तो जैसे कि आपके सामने ये नाम आ चुका है, और मैं कुछ ट्राई करके देख लेता हूँ। तो और मैं नंबर कुछ टाइप करके देख लेता हूँ कि आता है या नहीं आता है। तो मैंने ये नंबर टाइप किया, तो देखिए ये नंबर भी आ गया है, इमरान हुसैन, जैसे कि ये मतलब इस भाई की सिम है, ठीक है। और आप यहाँ पे आप जो भी नंबर टाइप करोगे उसकी मतलब उसका जो जिसकी सिम है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या शो होता है वो नीचे देखने पे पता करता है कि ये राजस्थान का है, मतलब भाई राजस्थान का है, और इसका नाम इमरान हुसैन है। और ज़्यादा मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है हमारे को कि ये है एक नंबर की और सिम ये वोडाफोन की है, तो करीबन हमने इसका पता इसका नाम पता कर लिया। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि नाम केवल हमारे को कंपनी पे फ़ोन करने पर ही पता चलता है, लेकिन इस ट्रिक से हम किसी भी सिम के जो मतलब जिसकी सिम है उसका नाम पता कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो भी चाहे और आपको कोई परेशान कर रहा हो तो अनोन नंबर से, तो आप यहाँ से उसका नाम और पता कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और तब तक के लिए बाय।